हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो न्यू ईयर पे मैंने एक व्लॉग डाला था एंड उस व्लॉग के अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाली थी इस न्यू ईयर पे एंड बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाली थी। एंड आज है 6 जनवरी, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया एंड मैंने सिंगल वीडियो भी अपलोड नहीं किया। सो दैट्स हाउ माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज गोइंग। अकॉर्डिंग टू माई हस्बैंड, टू मच इंग्लिश इन 1 वीडियो एंड टू मच सनस्क्रीन ऑन माई फेस। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाली थी। मैंने यही तो सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को सोच लो ना कि ये करना है, तो उसमें इतनी सारी अड़चनें आने लगती हैं और अगर आप उस अड़चन में गिर गए तो फिर बन गई वीडियोज़। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा तो बहुत था कि ये वीडियो बनाऊंगी, 2003 की एंडिंग बहुत धांसू करूंगी, वीडियोस डाल डाल के सबको पागल कर दूंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वीडियोस नहीं बन पाई। एंड स्किन केयर मेरा हमेशा की तरह जो पुराना था वही अभी भी है, बड़ा सिंपल सा, कैजुअल सा। ओके, तो वो सब छोड़ते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं कि मैं आज की वीडियो बना क्यों रही हूँ। सो इट्स अ नॉर्मल कैजुअल व्लॉग जो मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं कर सकूँ, और इस ब्लॉग में कुछ नहीं होने वाला है, मैं बस एक आउटिंग पे जा रही हूँ, तो वही मैं आपको शो करूँगी क्योंकि मैं बस अच्छा फील करना चाहती हूँ। एंड जब आप अच्छा फील करना चाहते हो ना, तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, चाहे आप रो के उसको एक्सेप्ट करो, चाहे आप हंस के करो, बट कर लो, वो बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, जो कि बर्बाद होने वाली है या हो चुकी है यह होती रहती है। शायद उठ गई, नहीं, बिंगो, मुझे तैयार होने का टाइम मिल जाएगा अगर वो नहीं उठी तो। और अगर वो उठ गई तो हमारे, समझ गए ना, मैं भी समझ गई थी। ओके, तो वो उठ गई है, तो अब हम क्या करेंगे एज यूजुअल। नई मॉम क्या करती हैं, बड़ा ही थोड़ा जल्दी जल्दी रेडी होती हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। थोड़ी थोड़ी से लिपस्टिक मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि मैंने लिप बाम बिल्कुल अभी अप्लाई किया है एंड थोड़ा बहुत तो मॉइस्चराइज करना बनता है यार। हेयर वॉश बड़ी ही मुश्किल से किया था क्योंकि ठंड बहुत, ठंड है भाई, मतलब ऐसे लग रहा है कि सिर्फ बर्फ़ गिरने की कमी है, बाकी ठंड तो बिल्कुल पॉइंट पे है। और ये जो तो मेरे बाल खड़े ना सींग की तरह। ओके, तो रेडी होके मिलते हैं, बाय। साइंटिफिक थ्योरी, मतलब मुझे ये कन्फर्म नहीं कि साइंटिफिक थ्योरी है या सच में ये थ्योरी है कोई, बट जब आपका बच्चा बोलना सीखता है तो ऐसा बोला जाता है कि जो मदर होती है उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो वर्ड्स बोलता है, मदर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड शायद वही चीज़ मेरे साथ हो रही है, मतलब फर्स्ट 1 or 2 months तो आपके बाल इतने अच्छे होते हैं ना आफ्टर डिलीवरी, ऐसे लगता है कि बस आपके ही बाल हैं दुनिया में और किसी के तो है ही नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका बच्चा बोलने की कोशिश करता है या फिर बोलने, थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, आपके बाल झड़ने लगते हैं। मुझे इस फिल्म ऐसे देख रही है कि जैसे उसको पता हो कि मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, वैसे मैं कर नहीं रही, बट स्टिल हाँ। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है, मेरे इतने बाल झड़ने लगे हैं। ओके, जब आपके घर में बच्चा होता है ना, तो एक्सरसाइज तो आपकी ऐसे ही हो जाती है क्योंकि वो सारी चीज़ें नीचे फेंकता है और आप ऊपर उठाते हो। इधर दोबारा आएगी और चीज़ नीचे गिरते हैं। अच्छा हाँ, तो ये अभी का है, अभी मैं जो
एयर ड्राई कर ब्लो ड्राई करूँगी, उसके बाद भी निकलेगा। और अभी जब मैं शावर लेके आई थी उसमें भी काफ़ी सारा निकला था। तो ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि मैं इसको बेड से नीचे नहीं उतरने दे रही हूँ। हाँ और तेज। अच्छा बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय। कुकु बाय 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 बाय। चिड़िया कहाँ? चिड़िया हमारे रूम में कोई चिड़िया नहीं है, सॉरी। अच्छा हाय भाई। अच्छा मैं देती हूँ, रुको। मेरे कॉल्स वापस आने लगे फाइनली। मतलब मैं अब ना स्ट्रेट से तंग आ चुकी थी क्योंकि ना तो वो स्ट्रेट थे ना वो कॉल्स थे, बट अब धीरे धीरे दे आर कमिंग बैक। मूंग की दाल का हलवा, एक ब्राउनी विद वेनिला आइसक्रीम है, एक कुल्फी है, नॉनवेज नहीं है। मैं तो वहां का वेज इतना बढ़िया बैलून चाहिए। टोटल मेरा 45। स्ट्रॉबेरी शेक अच्छा पीना है? बहुत